इस स्टेज पर हमारे जाकिर अहले बैत जो इस इंतजामिया कमेटी के सदर भी हैं यहाँ पर मौजूद हैं हमारे इस स्टेज पर। अली सा फर्ज निभाने कोई ना आएगा, जो गिर पड़े तो उठाने कोई ना आएगा। अली सा फर्ज निभाने कोई ना आएगा, जो गिर पड़े तो उठाने कोई ना आएगा। दीदारे काबा मुबारक हो ये हसी तुझको, किसके बाद हंसाने कोई ना आएगा। आइए हजरत इन्हीं अशार के जहल में मैं अदब और एहतराम के साथ गुजारिश गुजार हूँ जाकिर अहले बैत जनाब अली अब्बास साहब से कि वो आए अपना इजहार ख्याल करें। जनाब अली अब्बास साहब बवाज़े बुलंद नारे सलवात। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بھائی تمام لوگوں کا شکریہ تو میں اس پوری تقریر ख़त्म होने तक अदा करता रहूँगा कि आपने जिस जज्बे से जिस मोहब्बत से इस पैगाम इंसानियत के हवाले से जो प्रोग्राम था उसको कामयाब किया। मैं कोई मुकर्रर नहीं हूँ, कोई खतीब नहीं हूँ, कोई आलिम नहीं हूँ। ये तो आपकी मोहब्बत है जो खींच लाई यहाँ तक बोलने के लिए, वरना अभी आपके आने से पहले ये गद्दे और फर्श में ही बिछा रहा था। मैं इस वक्त भी यहाँ पर खतीब की हैसियत से नहीं, ये जो मेरी थोड़ी सी तकरीर है ये मेज़बान की हैसियत से आपका शुक्र अदा करने के लिए, और इस मेज़बानी में मैं तो एक बहुत छोटा से फ़र्द हूँ। अल्लाह सलामत रखे, आपकी दुआएं शेलाही तक पहुँचें हमारे ताहिर भाई के लिए, हमारे हसन आलम भाई के लिए, हमारे जो सबसे आगे आगे रहते हैं फाजिल साहब पप्पू, बेशक इन्होंने बड़ी मेहनत की है और हर प्रोग्राम में करते हैं। अब वक्त ज़्यादा नहीं बचा है वरना मैं बहुत सी दुआएँ करता अभी इन सब के लिए। ये हमारे ननहू भाई हैं, इन्होंने साबित कर दिया कि अली किसी एक के नहीं है। इन्होंने साबित कर दिया कि अहले बैत एक के नहीं है। मेरे पास अल्फाज नहीं है ननू भाई आप लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए। और गुरु नारायण हमारे बुजुर्ग चचा फारूक साहब, आप वक्त नहीं मैं सबका नाम लूं लेकिन सब शामिल हैं कि मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करूं। और ये जो मैंने बताया कि हम सब तो मेज़बान हैं और नाम भी मैंने लिए, कुछ छूट गए हैं लेकिन वो भी मेज़बान हैं, ये पीछे इस बैनर पे ना जाइए कि जिस पर मेहमान खुसूसी लिखा हुआ है, ये तो खुद परेशान है कि किसने हमारा नाम मेहमान खुसूसी में डाल दिया है। हम तो इस गांव के सबसे बड़े मेज़बान हैं, और ये बड़ी दूर से बड़े जज्बे से बड़ी मोहब्बत से हमारे दरमियान हमारा छोटा भाई आपका मेज़बान बन के आया है, और उसने जो दो अल्फाज बोले इस कम वक्त में वो काफ़ी हैं आप तक पहुंचने के लिए कि इस गांव के बच्चों के लिए क्या दर्द है। मददगार लॉकडाउन गवाह है जिस तरह से मदद की आप लोगों ने भी की है, और ये लॉकडाउन बहुत बुरी वबा थी लेकिन आपने जब हाथ से हाथ मिलाया और गरीबों को कंधे से गले से लगाया तो ये वबा का पता नहीं चला कहाँ आई और कहाँ चली गई। और है ना, हाँ करना ऐसे ही चाहिए। हर धर्म ये बताता है कि ऐसे करो कि अपने भी हाथ को ना मालूम हो कि हमने किया। मुझे याद आ रहा है जब ये जुमला मैंने कहा, देखिए मैं मुझे 15-20 मिनट टाइम वाइन दिए थे, अगर देर हो गई तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। मुझे क्योंकि मौलाए कायनात का जश्न है ना, तो उन्हीं की एक वाक्य उनका याद आ गया है, मैं वो पढ़ दूं फिर आप बाकी की तकरीर बड़े गौर से सुनेंगे इंशाल्लाह। ये इस हुए जमीन का
गरीबों का सबसे बड़ा मसीहा था। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मेरे पास अच्छे अल्फाज नहीं है। इसका दस्तूर यह था कि जब सारा शहर दयार सो जाता था तब ये निकलते थे कि किस घर को किस तरह की जरूरत है, और ये महसूस होता था कि हाँ इस घर को इस तरह की जरूरत है तो अपने जहन में उसका निशान बनाते, उस घर को उस तरह की जरूरत है, उस घर के बच्चे परेशान हैं, उस घर की बेवाएं परेशान हैं, उस घर में अनाज नहीं है, इस तरह की तमाम परेशानियों को अपने जहन में नोट करते थे। और उसके बाद वो रात के अंधेरे में बैग लगेज उनकी जरूरत का सामान मुहैया करके ऐसे जाते थे कि हमारे अपने साथी को भी खबर ना हो। कुंडी खटखटाते थे, अगर दरवाजे से निकल आया तो मुंह इधर करके दे दिया, नहीं निकला दो बार कुंडी खटखटाने पर तो दरवाजे पर रख कर चले आते। पूरी पूरी रात उनका दस्तूर यह था मौलाए कायनात का कि सिर्फ ये फिक्र रहती थी कि कोई परेशान तो नहीं है। इसी असना में एक उसी दयार उसी शहर के आखिर में, यह शहर का बॉर्डर कह लीजिए, एक छोटा से झोपड़े नुमा घर बना हुआ था। ये टहलते टहलते वहां तक पहुंचते हैं तो कुछ आवाज आ रही थी दुख भरी, जिसको रोना भी कह सकते हैं आप, गिरिया भी कह सकते हैं। ये जल्दी जल्दी उधर से कदमों से बढ़े तो देखा एक बुजुर्ग है, शायद आंखों से भी कमजोर है, उम्र भी ज्यादा हुई, हाथ पांव से भी कमजोर है। उससे कहा मौलाए कायनात ने, आप क्यों इतना परेशान हैं, क्यों गिरिया कर रहे हैं? कहा चूंकि नाबीना हूं देख नहीं सकता इसलिए मांगने वांगने नहीं जा पाता हूं, हाथ पांव ने जवाब दे दिया है इसलिए काम नहीं कर सकता, तीन दिन से ठीक से कुछ खाया नहीं है, कुछ भूख लगी थी, भूख ने परेशान की, तड़प गया। कहने जहां इतना बर्दाश्त किया मेरे भाई, चंद मिनट थोड़ा सा टाइम थोड़ा सा वक्त मुझे और दो। गए और जितना भी सामान खाने पीने का मुहैया हो सकता था जल्दी से करके आए, सिर्फ खाने पीने का सामान दस्तरखान उसके सामने लगाया नहीं, उसके साथ बैठकर खाया। ये दस्तूर चलता रहा, तारीखों में तो ये मिलता है कि उनकी शहादत के वक्त तक चलता रहा, बीच में उसने पूछा भी कि आप कौन है बताइए, तो उन्होंने कहा आप क्या करोगे दादा, जानकर वैसे समझ लो कि एक फकीर के बगल में बैठ कर खाना। ये मैं इस जश्न इस पैगाम इंसानियत के हवाले से जो बातें मैं कहना चाहता था, इस तरह की दो चार बातें, ये वो बातें हैं, ये तारीख नहीं है, ये स्याही नहीं है, ये कलम नहीं है, ये आपके दिलों तक हुकूमत करने वाली तारीख के वाकियात है। एक दिन वो भी आया कि आप जानते हैं कि वो मस्जिद कूफा में रमजान के महीने में मौला अली को शहीद कर दिया, अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम, नमाज पढ़ने वाला, नमाज शब का आदि, पक्का मुसलमान। पैगाम यही है कि इनके जो सच्चे लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, इनके दुश्मन अपने भी हो जाया करते हैं, और अगर अच्छाई इनकी लोगों के दिलों तक पहुंची तो इसी तरह से गैर अपने हो जाते हैं जैसे यहां महफिल में बैठे हुए। आप सलवा भेजिए तो मैं बात करूंगा। उसने कत्ल कर दिया, बच्चों ने इमाम हसन इमाम हुसैन मोहम्मद इब्ने हनफिया जो भी बेटे थे उन्होंने उनका आखिरी जो भी सफर था उसका सामान तैयार किया और जाकर वहीं कब्रिस्तान में कब्र के हवाले कर दिया, और फिर वो बच्चे कब्रिस्तान से पलट कर अपने घर की तरफ शहर की तरफ आ रहे थे, इसमें सबसे बड़े बेटे इमाम हसन सबसे आगे आ गए थे। तो उसी रास्ते पे उसकी वो झोपड़ी थी जिसके लिए मौलाए कायनात खाना ले जाया करते थे, वो झोपड़ी के दरवाजे पर बैठा हुआ कुछ कह रहा था और रोता जा रहा था, वही तड़प जो गरीब की सदा सुनकर बाप को थी वही तड़प बेटे के अंदर थी, और तड़पते हुए दिल के साथ इमाम हसन उस बुजुर्ग के पास पहुंचते हैं और कहते हैं भाई इतना गिरिया क्यों कर रहे हो, इतना क्यों रो रहे हो, क्या बात है?
तो उसने कहा कि पता नहीं क्या हुआ, मेरा दोस्त मुझसे कुछ नाराज हो गया या मुझसे कोई खता हो गई, क्या बताओ तो क्या हुआ। कहा एक मेरा चाहने वाला था, मेरा दोस्त था, मेरे साथ में बैठकर खाना खाता था, आज 3 दिन हो गए वो नहीं आया। और 3 दिन इसलिए हो गए कि जरबत यानी तलवार लगने के बाद 3 दिन तक, ये तीसरे दिन शहीद हुए, तो 3 दिन इसलिए नहीं आ पाए। तो उसने कहा 3 दिन हो गए वो मेरे पुरसे के लिए, मेरे मुझे देखने के लिए, मेरे लिए खाना लेकर भी नहीं आए, क्या खता हो गई, क्या गलती हो गई। इमाम हसन समझ गए ये बाबा की बात कर रहे हैं। कहा मेरे भाई अब उनको याद न करना। कहा क्यों? कहा अभी तो हम लोग उनको कब्र के हवाले करके आ रहे। तो उसने कहा कौन है वो बताइए तो। वो कहा वो हाकिम वक्त अली इब्ने अबी तालिब और मैं उनका बेटा हसन। बस ये सुनना था कि उसने अपने आप को इमाम हसन के कदमों में गिरा लिया। कहा जो पैदा हुआ उसको मरना है कोई बात नहीं, लेकिन आज पता चला कि इतना बड़ा हाकिम मेरे साथ बैठकर जब खाना खाता था तो ये कहता था कि एक फकीर के बगल में बैठकर खाना खा रहा है। और फिर आगे तारीख है कि वो गया कब्र पर, फिर वहीं पर वो भी दुनिया से सब बैठा। मैंने ये वाक्य क्यों पढ़ा आपको, आहिस्ता आहिस्ता बात कर रहा हूँ, हल्के अल्फाज में बात कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा कठिन अल्फाज तो मेरे पास नहीं है और मेरे पास मजमा भी मेरा अपना है, समझेगा मेरे दिल की बात को। इन बच्चों ने बड़ी मेहनत से इसको सजाया है और आपको बुलाया है। अगर ये पैगाम इनके हवाले से सच्चे हैं, अच्छे हैं, तो हम तहिया करते हैं आज यहाँ से कि हम अब पूरी ज़िंदगी इंसानियत के नाम पर वक्फ करते हैं। मैं क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए किसी भी मजहब को, किसी भी धर्म को, किसी भी धर्म की किताब को अगर समझना है तो क्या आप समझते हैं सिर्फ मौलवी समझा देगा? उसको तो खुद नहीं मालूम, आपको खुद स्टडी करनी पड़ेगी। अगर आपके जहन में पुराने मजीद के लिए कोई गलत फहमी है तो उसको मुसलमान नहीं समझाएगा, आपका इल्म समझाएगा, आप उसकी खुद स्टडी कीजिए। और अगर अहले बैत अलैहिस्सलाम को समझना है तो हम नहीं समझा पाएंगे, आप उनके करीब आइए। मैंने ये बात क्यों कही? क्योंकि आज दुनिया में पैगंबर इस्लाम को, किताब कुरान को, दीन इस्लाम को अजीब अजीब निगाहों से देखा जा रहा है। ये क्यों ऐसी निगाहों से देखा जा रहा है कि कुरान में ये लिखा हुआ है और पैगंबर इस्लाम ऐसे थे और मजहब मुसलमान को जैसे दहशत गर्दी का ठप्पा क्यों? क्योंकि इसको लोगों ने ज्यादातर मौलवियों से समझा है, स्कॉलर से नहीं समझा, पढ़े लिखे से नहीं समझा, टीचर से नहीं समझा। मैंने टोपी पहन ली है, मैंने दाढ़ी बड़ी कर ली है, मैंने पैजामा कुर्ता पहन लिया है तो मौलवी तो हो सकता हूँ, लेकिन इस्लाम का कुरान का रिसर्चर नहीं हो सकता। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बात कह रहा हूं। ये इस्लाम ये नहीं कहता है कि आपकी पहचान आपकी टोपी से हो, इस्लाम कहता है आपकी पहचान आपके इल्म से हो। क्या समझेंगे कुरान मजीद को, क्या समझाएंगे कुरान मजीद को? मैं तो तालिबे इल्म हूं, मैं आपके सामने एक आयत पढ़ूं जब मौका दिया आपने, और आप समझ लीजिए कि पूरा कुरान कैसा होगा जिसकी एक आयत ऐसी है। देखिए मैसेज कुरान का इंशाल्लाह महसूस करेंगे, यहां पर सुने और जहां पर भी आपका घर है वहां पर इस पर सोचें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, कुरान में अल्लाह कह रहा है तू मिनू ना बिल्लाह। आज एक नुक्ते पर तो गलतफहमी कम ही खत्म ही कर दूंगा आज इंशाल्लाह। यहां पर अल्लाह कह रहा तू मिनू ना बिल्लाह, तुम अल्लाह पर ईमान लाना चाहते हो, नहीं ला सकते, ऐसे नहीं ला सकते अल्लाह पर ईमान, वह रसूल ही और उसके रसूल पर भी ईमान नहीं ला सकते, ऐसे कैसे लाओगे? जब तक अपने आप को आमादा नहीं करते हो, वक्त जाहिदूना फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद के लिए। मैं यहां पर रुक रहा हूं,
क्योंकि मुझे गलत फहमियत हुई करी। अल्लाह ने कुरान मजीद में आयत में कहा है कि तुम अल्लाह वाले हो ही नहीं सकते, तुम रसूल वाले हो ही नहीं सकते जब तक अपने आप को आमादा नहीं करते हो। वतुजाहिदूना फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के लिए जिहाद। ये लफ्ज जिहाद बड़ा बदनाम हो गया, इसलिए मैं रुक रहा हूं। ये क्या है जिहाद? आज मुझको जो बताया फेसबुक पे व्हाट्सएप पे लोगों ने, वो ये बताया है जिहाद तो ये है कि एक तलवार लो हाथ में, कोई गैर मुस्लिम मरे मिले उसको मार दो, ये जिहाद है। खुदा की कसम इस पाक जगह से बोल रहा हूं, अल्लाह ने ये नहीं कहा है कि जिहाद है, ना रसूल अल्लाह ने कहा है जिहाद। आप सुनिए आशिकान अली की भी बात सुनिए, आपने बहुत मौलवियों की बात सुनी, एक मेरी भी बात सुनिए। ये नहीं कहा, कुरान मजीद गवाह आपके सामने है, मैं आयत पढ़ रहा हूँ, मैं तर्जुमा कर रहा हूँ, एक एक लफ्ज का तर्जुमा कर रहा हूँ, आप गौर कीजिए। अल्लाह ने कहा तुजाहिदूना फी सबीलिल्लाह, जब मैं इसका पूरा एक्सप्लेनेशन करूंगा तो आप मुझसे मुत्तफिक होंगे, दुआएं देंगे। अपने आप को जब तक जिहाद के लिए आमादा नहीं करते हो अल्लाह के लिए, न रसूल अल्लाह कहना कबूल है, न अल्लाह कहना वसूल है। जिहाद वो नहीं है जो आपको बताया गया है व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए से, जिहाद जो कुरान बता रहा वो होगा। कैसे जिहाद करना? कुरान ने बताया, आगे आयत बढ़ती है, वह तुजाहिदूना फी सबीलिल्लाह, कैसे करना? बे अमवालिकुम, दो लफ्जों पर गौर करिए, बे अमवालिकुम। बे अमवालिकुम क्या मतलब? माल से नहीं, अपने माल से। माल से नहीं, माल से क्या मतलब हुआ? माल से मतलब यह हुआ कि किसी गरीब को परेशान देखा, किसी का चुराया, उसको दे दिया। ये जिहाद नहीं चाहिए अल्लाह को कि किसी का लिया, गजब किया और किसी को दे दिया मदद की शक्ल में। ये जिहाद अल्लाह को नहीं चाहिए। कह रहा बेअमवाल अपने माल से, तुम्हारे पास जितना है उससे जिहाद करो। अगर तुम्हें किसी गरीब की मदद करनी है तो तुम्हारे पास एक रुपया है, तुम उससे मदद करो। एक लाख नहीं चाहिए जो गजब किया, गजब किया होनी चाहिए। तो अपने माल से जिहाद करना है बेअमवालिकुम। अब सुनिए आगे का नुक्ता, व अनफुसकुम, यहीं पर तो सारी बात है। व अनफुसकुम क्या मतलब? अनफुसकुम का जिस तरह से अपने माल से जिहाद करना है वैसे ही अपनी जान से, जान से नहीं, व अनफुसकुम अपनी जान से। एक रिवॉल्वर में गोली रखकर चुपचाप किसी बेगुनाह को मार देना आसान है, अपने जिस्म का एक बोतल खून देकर किसी मजलूम को बचा लेना बड़ा मुश्किल। अल्लाह इस आयत में ही कह रहा है कि हमको वो जिहाद नहीं चाहिए, सुने तर्जुमा, हमको वो जिहाद नहीं चाहिए जो तुम्हारी तलवारों और बंदूकों से लोग मरते हैं, हमको वो जिहाद चाहिए कि तुम्हारी जान जाए और मजलूम बच जाए। इससे बड़ी बात तो नहीं कह सकता मैं, तुम्हारी जान जाए और मजलूम बच जाए, हमको वो जिहाद चाहिए। अब भी नहीं समझे करबला क्या है? हाय हाय, करबला इसी का नाम है कि हमारी जान चली जाए, आने वाली सारी उम्मतों की जान बच जाए। सलवात भेजने वाले ये है जिहाद। किसी की जान लेने का नाम जिहाद नहीं है, अपनी जान देकर किसी को बचा लेने का नाम जिहाद है। और फिर ये भी नहीं अल्लाह ने आयत में कहा, मैंने मुझे तो नहीं मिला, आप लोगों को मिला होगा तो बताइएगा कि भाई क्या आयत में अल्लाह ने कहा नहीं अपनी जान देकर सिर्फ मुसलमान ही की जान बचानी है? महफिल मैंने पढ़ दिया। ये भी नहीं कहा आयत में कि तुम्हें अपनी जान देकर सिख को नहीं बचाना, मरने दो, हिंदू को नहीं बचाना है मरने दो, यहूदी को नहीं बचाने, ना अपनी जान देकर जो मिल जाए उसको बचाना, जो मजलूम जो बेगुनाह। कुरान मजीद में दो चीजें हैं, इस पर गौर करिएगा। पहली चीज क्या है कि मजलूम की जान आपको अपनी जान देकर बचानी है और जालिम को छोड़ना नहीं। यहीं पे कंफ्यूजन होता है, लोग कहने लगते हैं ये काफिर कहा है तो क्या मुसलमानों के अलावा सारे लोग काफिर हैं? जो कह रहे हैं कि काफिरों को जहां पाओ मार दो, नहीं, काफिर का तर्जुमा है उपद्रवी यानी जालिम। कुरान में अल्लाह कहना चाह रहा है जालिम को जहां पाओ मार दो। अब इस आयत को मैं क्या समझाऊं? आप बैठे हुए हैं पाल भाई, आप बैठे हुए हैं, आप पढ़िए मेरे सामने रामायण, रामायण पढ़िए, रामायण बताएगी कि आयत क्या है और करबला क्या है। रामायण में साफ साफ लिखा हुआ है कि राम ने एक लश्कर लिया और रावण पे हमला किया। रावण किस मजहब का था? यहूदी था।
नहीं, ईसाई था? कहा नहीं। मुसलमान था? कहा नहीं। फिर कहा हिंदू? हमारा जी राम भी हिंदू, और उसके ऊपर चढ़ाई कर दी उन्होंने, हिंदू ने हिंदू के ऊपर। आप गौर तो करें क्या कह रहे हो है? भाई मजहब के नाते उसको छोड़ देना चाहिए था। एक लफ्ज बोलूं यहां पे, आप बताइए मुझे, आप बताइए ये रामराज किसे कहते हैं? बड़ी आवाजें उठी हुई है रामराज की, ये रामराज कहते किसे? कहा रामराज इसको कहते हैं कि जहां पर मजबूर गरीब मजलूम उसको न्याय मिले और जालिम को सजा मिले। भाई इसके अलावा कोई तर्जुमा हो तो मुझे बताइए, मैं पानी पी रहा हूँ, सलवा भेजिए उन लोगों को। भाई इसके अलावा है कोई तर्जुमा? रामराज का मतलब मैंने तो ही आप लोगों से सीखा है कि मजलूम की मदद करो और जालिम को मार दो। इसीलिए इसको रामराज कहा जाता था कि सबसे पहले राम ने यह काम किया कि मजलूम जितने हैं, बेगुनाह जितने हैं, चाहे जिस मजहब का हो, चाहे जिस धर्म का हो, उसको हमारे रामराज में शामिल कर लो। लेकिन ये अगर हमारा अपने मजहब का भी जालिम है तो उसको मार दो। अमा ये समझ में आ गया? करबला आज तक समझ में ना आई, अब करबला समझ में आएगी जब रामराज समझ जाएगा। वो रामराज था जिस पर राम चलते थे, ये हुसैन राज है जिस पर करबला बनी। कौन था हुसैन के मुकाबले पे? यहूदी। देखिए बड़ी तारीख पलट रही यहां पर। कहा नहीं। ईसाई? कहा नहीं। कोई हिंदू आया था इमाम हुसैन सलाम के मुकाबले में करबला के मैदान में, जिसने 6 महीने के बच्चे को शहीद कर दिया? कहा नहीं। हिंदू तो उनकी मदद के लिए गए थे। काफिर? कहा उनके मुकाबले में मुसलमान आया, ना हो तो बताइए कौन थे ये लोग? सिर्फ मुसलमान कह देना ना इंसाफी होगी। अमा उसमें कसीर तादाद में हाजी थे, कारी कुरान थे जो हुसैन को मारने आए थे, नमाज पढ़ने वाले, कुरान पढ़ने वाले, मुसलमान अपने आप को कहने वाले। हुसैन के घर के 6 महीने के बच्चे को भी उन्होंने मार दिया। तो हुसैन ने क्या कहा? मुसलमान है तो क्या हुआ? अगर ये जालिम है तो इनकी जुल्म की हुकूमत हुसैन करबला के मैदान में दफन करके जाएगा। ये किस तरफ हमको ले जा रहे हैं वाकयात? कभी पढ़ा करिए तारीखों को। ये वाकयात किस तरफ ले जा रहे हैं? जैसे कि मैंने रामराज को बताया था, किस तरफ ले जा रहे हैं? मैं तो श्री कृष्ण को भी पढ़ सकता हूँ। श्री कृष्ण के मुकाबले पर मुसलमान नहीं थे, कौरव हिंदू ही थे, और हिंदू ही नहीं थे, घर वाले थे। तो ये वाकयात हमको, श्री कृष्ण जी का वाकयात है, राम जी का वाकयात है, इमाम हुसैन के वाकयात है, ये हमको किस तरफ ले जा रहे हैं? ये हमको पैगाम इंसानियत की तरफ ले जा रहे हैं कि भैया अगर हमको आइडियल मानते हो कि हम तुम्हारे राम थे, श्री कृष्ण थे, अली थे, हुसैन थे, हमको आइडियल मानते हो, मोहम्मद थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फिर याद रखना कि जो हमने किया है वही करना। क्या किया आपने? कहा हमने मजलूमों की मदद की, जालिमों को खत्म करने की कोशिश की। आप हर दौर में यही करते रहिएगा, इसमें कोई मजहब की कैद नहीं है। मैं बात को और ले जा सकता था आगे, लेकिन चूंकि मौलाए कायनात का जश्न है तो दो लफ्जों में बोलूँ। अब आप मुतवज्जे हैं तो सुनिएगा, अभी आपको मजा आएगा और आप इंशाल्लाह दुआएं भी देंगे। ये वो किरदार है, मैं अपने मौजू से नहीं हटूंगा, ये वो किरदार है जिसको मौलाए कायनात कहते हैं कि इस किरदार पर प्रोफेसर गिबन से लेकर हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक ने बोला है। सारी किताबें मौजूद है, सारे स्टेटमेंट मौजूद है, इन सब ने तारीफों में बोला है इनके लिए। किसी ने यह कहा कि जमीन पर ये अगर कोई समझता है कि मौला अली किसी एक तबके के लिए, फिरके के लिए, किसी एक कौम के लिए आए थे तो गलत समझता है, वो सारे आलम इंसान के लिए आए थे। किसी ने यह कहा कि जमीन पर अगर कोई सबसे पहला और सबसे बड़ा साइंटिस्ट था तो मौला अली था। और सिर्फ बोला नहीं, उसने वजाहत की कैसे साइंटिस्ट थे सबसे बड़े। मैं छोटे छोटे भाई बैठे हैं, मैं दे रहा हूं कैसे साइंटिस्ट थे। भाई आज तो आपके पास एस्ट्रोनॉमी के तमाम सवाल जानने के लिए टेलीस्कोप है, मशीनरीज है, तमाम कैमराज है, तमाम चीजें हैं। 1400 साल पहले, यानी 1500 साल पहले, जब कारें भी नहीं थी, लोग घोड़े गधे भी चलते थे, तब जमीन में बैठा हुआ आसमान की बातें कैसे जानता था? नहीं जान सकता। उस माहौल में जब कोई मशीनरी, कोई साइंस मदद नहीं कर रही है, मौला अली से सवाल कर लिया गया, यानी आप बड़े आलिम हैं, कहा बताओ, कहा आप ये बताइए यहां से जमीन से सूरज कितनी दूर है?
परेशानी ये नहीं है कि मौला अली के पास उसका जवाब जवाब तो है, सोच ये रहे कि इसको जवाब दूं तो किस तरह से दूं। क्यों? क्योंकि सूरज की जमीन से जितनी दूरी है उतनी तो गिनती भी इसके पास नहीं। ये तारीखी वाक्यात है आपके सामने, जितनी सूरज से जमीन से सूरज की दूरी है उतनी तो गिनती भी नहीं जानता है, तो इसको अगर मैं बताऊं तो पहुंचेगा कैसे वहां तक। तो मसला ये नहीं था कि इसने सवाल किया, सवाल का जवाब तो मालूम है, दे देंगे, ये जानेगा कैसे समझेगा कैसे। तो बड़ी मुश्किल ये थी कि उस अरब के जहालत के दौर में जहां पे गिनतियां भी नहीं थी, बस वो वाहिद इतनेन तलाता अशरा खमसा सित्ता उसके बाद अशरून फिर मियां को सौ कहते हैं फिर अल्फ हजार खत्म, अरबी की गिनती है, मैंने गिन दिया आपके सामने। अल्फ के आगे अरब में कोई गिनती नहीं, मिलियन मिलियन ट्रिलियन तो इन्होंने अंग्रेजों से अब लिया, समझे। तो अब वो अल्फ तक तो है नहीं सूरत की दूरी, तो बताएं कैसे मिलियन में जा रही, ये समझेगा कैसे, मिलियन तो इसे मालूम है। तो मौलानी ने कहा ठीक है इसको इसी जबान में समझाते हैं, क्यों सबसे बड़े साइंटिस्ट कहे गए, सुनिए। कहा भाई तुम एक काम करो, तुम्हारे पास अरबी घोड़ा है? कहा है। कहा उस अरबी घोड़े को 500 साल तक दौड़ा दो सीधा, ये अरबी घोड़े की बात करो, 500 साल तक दौड़ा दो, 500 साल के बाद में जहां पर पहुंचेगा बस नाप लेना दूरी उतनी दूर है जमीन से सूरज। नहीं देखिए ये तो सब चीजें आपने बहुत सुनी है, मैंने क्यों पढ़ी है, क्यों पढ़ाई वाक्य, कभी आपने गौर किया कि सूरज है कितनी दूर जमीन से? मौलानी ने बता दिया है 1400 साल पहले, आज की साइंस में गौर कर लिया उन्होंने बताया तो फार्मूला नहीं कर, अब आप करिए मल्टीप्लाई अपने मोबाइल को, कैलकुलेटर निकालिए, मैं बता रहा हूं और देखिए सूरज की दूरी निकलती है। अरबी घोड़े की औसत स्पीड 35 किलोमीटर पर आवर है, एक घंटे में 35 किलोमीटर। अरबी घोड़े की, मौसी का घोड़ा नहीं चल पाएगा, हाँ ये अरबी घोड़ा है बड़े तगड़े होते हैं, 35 किलोमीटर पर आवर यानी एक घंटे में कितना जाता है 35 किलोमीटर, एक दिन में कितना जाएगा 24 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक दिन का निकल आया, उस कैलकुलेशन को 30 दिन से, एक महीने का निकल आया, उस कैलकुलेशन को एक साल से, एक साल का निकल आया, उस कैलकुलेशन को 500 साल से, जो निकलेगा मैं बताऊं 14,96,00,000। मैंने एक बात YouTube पे बोली है, आप साइंस की किताबों को चेक कर लीजिए, अरबी घोड़े की स्पीड देखिए 35 किलोमीटर। इसलिए वो बोलता है कि जमीन पर सबसे बड़े साइंटिस्ट मौला अली थे, आप तो मोदी जी ने भी कहा कि भाई करबला की जरूरत 1400 साल पहले जितनी थी उससे ज्यादा सख्त जरूरत तो आज है। अब इससे बड़ा जुमला वो बोल भी नहीं सकते थे जो मौला हुसैन के लिए बोला, यानी वो भी महसूस करते हैं कि मौला हुसैन की तारीख की जरूरत है, उनकी जरूरत है, आएगा है, आएगा इंशाल्लाह। और जार जसदाग ने तो, बल्कि मैं कहूं वो महात्मा गांधी को, जवाहरलाल नेहरू को और रविन्द्रनाथ टैगोर को और क्या कहते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, सबको मैंने छोड़ दिया, जार जसदाग ने तो पूरी किताब लिख दी लाइफ स्टोरी ऑफ द अली अलैहिस्सलाम, जिसका नाम है सवाने उम्री, ये आखिरी लम्हात में तकरीर है, क्योंकि आप मुतवज्जे थे तो मैंने थोड़ा से 5-7 मिनट बढ़ाए हैं, वहां से 5-7 मिनट की बातें, उसके बाद फिर ना कुछ कहने की जरूरत है ना सुनने की जरूरत है, आज की हद तक बात खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह, अगर बात सच्ची है तो जरूर आप इस पर गौर करेंगे। लेकिन ये जो मैं आपके सामने ला रहा हूँ ये पूरी महफिल का निचोड़ है, सिर्फ तकरीर का निचोड़ नहीं, जो बात कहने जा रहा हूँ लाइफ स्टोरी ऑफ द अली अलैहिस्सलाम, मौला अली की पूरी जिंदगी की एक सवाने हयात, वो उन्होंने जीवनी एक किताब में लिखी, इसने जार जसदाग फ्रेंच स्कॉलर, ईसाई मुसलमान नहीं, एक राइटर था, लिखता था, उसने सुना कि हाँ मौला अली कोई ऐसी हस्ती आए थे मक्का मदीना और कूफा में, तो उसने कहा कि अभी तो बड़े अच्छे मालूम होते हैं, वो अपने टिकट से अपने सफर से और अपने सामान से वहां वहां पहुंचा जहां जहां मौला अली ने अपने टाइम को स्पेंड किया था, खर्च किया था, रहे थे मदीने में, देखा हाँ यहाँ खैबर लड़े, यहाँ और लड़े, यहाँ पे रहते थे, ये मकान है, ये है, उसके बाद वो मदीने में भी गया, मक्के में भी गया, हर जगह गया और सारी निशानियों को कलेक्ट करता चला गया, कूफे में भी गया, कूफे में जो वक्त उन्होंने गुजारा था उसको भी कलेक्ट किया, एक किताब बनाई, इसका नाम लिखा लाइफ स्टोरी ऑफ द अली अलैहिस्सलाम, वो किताब पूरी उसने लिख तो दी, किताब बन भी गई, किताब तैयार भी हो गई, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि किताब लिखना तो उसके बस में था, उसके हाथ में कलम था, उसके पास कागज था, उसने किताब लिख दी, लेकिन किताब लिखने के बाद जब उसने पढ़ा खुद तो मुतासिर हुआ, उसने कहा ये किताब आलम इंसान के लिए बड़ी फायदेमंद है,
ये किताब जब जहां जहां जो भी पढ़ेगा इससे बड़ा उसको फायदा मिलेगा, खासतौर से इंसानियत के समाज को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा इससे। लिहाजा ये किताब कमरे में कैद नहीं होनी चाहिए, लाइब्रेरी में मुकैद नहीं होनी चाहिए, इसको दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया जाए ताकि ये इमाम अली अलैहिस्सलाम की सवाने हयात से सारे लोगों को फायदा मिले। और ये किताबें न पहुंचती होती तो आप ये रात के 11 बजे यहाँ पर न बैठे होते। सलवात भेजन बात, हाँ आपकी बोली ने बता दिया है कि भूख भूख लगी हुई है इंशाल्लाह। बस 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 दो चार पांच मिनट कि जब लिख तो दी उसने किताब, जुमले बड़े कीमती यहाँ से, लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि ये इतने आलम स्तर पर पूरे दुनिया में इसको छपवाया बटवाया कैसे जाए, इसमें तो बड़ा फाइनेंस चाहिए, बड़ा पैसा चाहिए, ये किताब की मैंने लिख दी। तो इसने कहा कि इसने कोई भी, तो मेरे पास तो इतना नहीं है कि मैं इसको इतने बड़े खर्च के साथ में काम कर सकूँ। तो उसके दिमाग में एक तरकीब आई कि ऐसा करते हैं कि क्योंकि मुसलमानों के रहबर थे, उनके मौला हैं, उनके हाकिम, लिहाजा ऐसा करते हैं कि इन किताबों को जो उनकी प्रेस वगैरह है मशीनों से जो भी होती हो उनसे कहते हैं वो मदद करेंगे। वो पहुंचा फला के पास, फला के पास, फला जिसके पास पहुंच रहा उसने मना कर दिया, काम से कोई मतलब नहीं भैया, ये काम नहीं कर पाएंगे। वो जहां भी जितने भी 8-10 जगह 20 जगह 15 जगह जा सकता था, जाने के बाद मायूस लौटा और किताब लेके सीधा अपने चर्च के गेट पर आकर बैठ गया। एक उलझन ये दिमाग में थी कि यार हमारे ईसा के ऊपर किसी ने किताब लिखी होती तो हमसे जो हो सकता हम करते, इनके मौला पर इनके हाकिम पर किताब लिखी कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, कोई मदद नहीं रहा, उसको क्या मालूम जैसे आज लोग हैं वैसे कल भी थे, उसको बेचारे को क्या मालूम। तमाम तरह के लोग होते हैं, हर मजहब में होते हैं, चाहे जिस मजहब में ले लीजिए, बहुत से लोग होते हैं जो इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, तो इत्तेफाक से वहीं पहुंचा जो लोग इंटरेस्टेड नहीं थे, और होते भी। एक बीच में एक दौर ऐसा बीता है जहां पर मौला अली की मुखालफत में मेंबरों से 900 साल तक की बातें कही गई हूं, तो एक मीडिया राइटर्स के जरिए से पता नहीं क्या क्या उनके खिलाफ लिखा गया है, तो बहुत सा मजमा ऐसा हो गया था जो उनके खिलाफ भी हो गया था, मुसलमानों ही का मजमा, ये तो अल्लाह दर्जात बुलंद करे उमर इब्ने अब्दुल अजीज के, कि जब उनकी बादशाह हुकूमत खलीज में आई है तो उन्होंने इस दस्तूर को बंद किया कि अब मिंबर से मौला अली को कुछ नहीं कहा जाएगा, ये पूरी तारीख है आपके सामने। तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी, बहुत से लोग मुखालिफ हो चुके थे, तो उसको जो मिले ऐसे ही मिले। तो वो चर्च के गेट पर आकर सोचने लगा कि चलो अब क्या किया जाए, फिर अभी इन्होंने तो मना कर दिया, फिर कौन मदद करेगा। तो चर्च का पादरी निकला वहीं से और उसने देखा जज्दाक बैठा हुआ है, कुछ मायूस से दुख में है, कंधे को थपथपाया, जज्दाक खड़े हुए हैं, सलाम दुआ हुई। उसके बाद जज्दाक कुछ परेशान दिखाई दे रहे हो, कुछ मायूस दिखाई दे रहे हो, बात क्या है। तो जज्दाक ने कहा हुजूर मैंने ये किताब लिखी थी लेकिन उसको छापने और बांटने की कुव्वत मुझमें नहीं है, लिहाजा मैं मायूस हूँ, इसको कैसे पब्लिश किया जाए, कैसे बताया किया जाए। कहा कौन सी किताब, का इमाम अली अलैहिस्सलाम के ऊपर, कहा फिर, कहा मैं मुसलमानों के पास गया उन्होंने मदद ही नहीं की, अब कौन मदद करेगा जब उन्होंने इनकार कर दिया। कहा तुम गए क्यों उनके पास, पादरी कहता है, तुम उनके पास गए क्यों। कहा फिर किसके पास जाता, उनका मामला तो उन्हीं के पास जाता। कहा नहीं, तुम्हें हमारे पास आना चाहिए, जितना फाइनेंस होगा, जितना पैसा लगेगा, जितनी मेहनत होगी हम करेंगे, ये सब है आपकी तारीख में। तो खुश हो गया कि उसकी मेहनत जाया होने से बच गई, उसने फौरन अपना वो सरमाया लिया, वो पैसा लिया जिससे वो कर सकता था काम, लौट कराया, उसने पब्लिश कराया, किताबों को छपवाया बटवाया जो आज मौजूद है मार्केट में इसी वजह से। और उसके बाद उसने जब पैसा कलेक्ट कर लिया तो उसने कहा कि अब इनको पैसा वापस कर दिया जाए, बिकने के बाद आ गया है पैसा, वो वापस आया। बस आप मेहनत समझेंगे यहां से क्या कहना चाहता हूं आपके दिलों से। आने के बाद पादरी से कहा कि वो तो काम हो गया और पैसा भी मुझे अच्छा खासा मिल गया, मैं चाहता हूं कि आपके पैसे आपको वापस कर दूं, लेकिन एक सवाल है उससे पहले, सुने सवाल भाई, कहां पूछो क्या सवाल है। पादरी ने कहा सवाल यह है कि उनके मजहब के लोग थे, उन्होंने तो मना कर दिया था, आप ईसा के मानने वाले, आप ईसाई, आपका मजहब और उनका मजहब और, फिर आपने क्यों मदद की। ये आप सुने, आप तमाम लोग, हर मजहब के लोग, हर अकीदे के लोग यहां पर इकट्ठे हुए हैं, ये वो लोग इकट्ठे हुए हैं जो एहसान को याद रखते हैं, एहसान को भूल गए वो नहीं, वहां पर एहसान को याद रखा गया था। उसने कहा जानना चाहे तो इस सवाल का जवाब कि मैंने क्यों मदद की गैर मजहब के होने के बावजूद, हां आओ मेरे साथ लाइब्रेरी में,
ले गया। लाइब्रेरी में तमाम पुरानी किताबें मौजूद थी। कहा देख रहे हो ये लाइब्रेरी कहाँ? देख रहे कहा इसमें उस वक्त की भी किताबें मौजूद हैं जब इमाम अली अलैहिस्सलाम कूफे में अपनी हुकूमत किया करते थे। उस वक्त कि वो जो राइटर हमारे थे, जो हमारे पादरी थे, तो इमाम अली अलैहिस्सलाम की 4.5 साल हुकूमत को उन्होंने किताब में लिखा और वो किताबें हमारी लाइब्रेरी में मौजूद हैं। अच्छा क्या लिखा? कहा मैं बताऊंगा ना क्या लिखा है, तो फिर ये तुम किसी से सवाल नहीं करोगे कि गैर मजहब ने इमाम अली अलैहिस्सलाम के इस काम में मदद क्यों की। कहा बताइए। कहा हमारे अपने राइटर्स ने, अपने हमारे अपने पादरियों ने उस वक्त जब इमाम अली अलैहिस्सलाम की 4.5 साल हुकूमत हो रही थी उस दरमियान ये किताब लिखी है। देखो ये किताब लाइब्रेरी की गवाह है जिसमें उन्होंने लिखा कि इमाम अली अलैहिस्सलाम की हुकूमत की तारीफ नहीं कर सकते, बस मुख्तसर ये सुने जुमला, मुख्तसर ये कि इमाम की हुकूमत में हम ईसाइयों को वो इंसाफ मिला जो हमें अपनी हुकूमतों में नहीं मिला। इससे बड़ा जुमला तारीफ में नहीं मिलेगा। इमाम की हुकूमत में गैर मजहब का आदमी कह रहा है हमको वो अदल व इंसाफ, वो हक मिला जो हमें अपनी हुकूमतों में नहीं मिला। मैं जहां जहां हुकूमतें हैं हिंदुस्तान का रिप्रेजेंटेटिव होते होने के नाते ये बात यूट्यूब के जरिए से हर हाकिम तक पहुंचाना चाहता हूं कि हुकूमत करो तो ऐसी करो जैसे इमाम ने की है। अपनों को तो सब दे देते हैं, वो उन तक पहुंचते थे जिनका कोई पूछने वाला नहीं होता। ऐसी हुकूमतों को कायम रखना चाहिए। और ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि हम हिंदुस्तान के हैं, हम अपने मुल्क के हैं, हम सबको इमाम अली अलैहिस्सलाम की इस सवाने हयात 64 साल जिंदगी की स्टडी करते हुए अपने हाथों को दूसरे मजहब के हाथों में इस तरह से देना है कि दुश्मन हमारे मुल्क की सरहदों को न तोड़ पाए। ये हमारे इमाम ने दर्द दिया है, ये हमारे हुसैन ने दर्द दिया है। अब सुने, बस मैंने बात को खत्म किया। इमाम अली अलैहिस्सलाम का आखिरी खुतबा कूफे के मैदान में, आखिरी खुतबा, यही किताब जो मैंने पढ़ी थी वही किताब में नकल किया गया है। आखिरी खुतबा इमाम ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि देखो जो जहां जहां है जिस मजहब का है, चाहे मेरा चाहने वाला हो चाहे मेरा दुश्मन हो, चाहे मेरा मानने वाला हो चाहे मेरा इनकार करने वाला हो, चाहे मेरे घर का हो चाहे बाहर का हो, उनसे कह दो इस मैदान में इकट्ठे हो जाए फला दिन, मैं उनसे मुखातिब होना चाहता हूं। यह आखिरी खुतबा है, मतलब आखिरी स्पीच, आखिरी तकरीर मानती जिसमें उन्होंने सारे मजहब को के लोगों को मैदान कूफा में इकट्ठा किया। और जब इमाम की आवाज चारों तरफ गई तो मजमा ऐसा हो गया था इंडलेस, जिसका कोई आखिर नजर नहीं आता था, इतना मजमा था। और उस मजमे में एक ऊंची सी जगह पर जिसको आप मिंबर कहते हैं, इमाम आते हैं और आने के बाद अब तारीख इंसानियत के लिए या पैगाम इंसानियत के लिए इससे बड़ा जुमला मेरे पास नहीं है जो मैं अपने इमाम के हवाले से कहना चाहता हूं। ऊंची जगह पे आए जिसको मिंबर कहते हैं और वहां आने के बाद चारों तरफ निगाह दौड़ाई, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों तरफ देखा, सब तरफ के लोग मौजूद हैं, सब तरह के लोग मौजूद हैं। इमाम का पहला वर्ड, आप बताइए ऐसी बात करने वाला, ऐसी हुकूमत करने वाला कोई चाहेगा कि खो जाए हमारे दरमियान से? मरे नहीं है, मारा गया है, अफसोस इस बात का। तो वही हो गया, जिस पेड़ पे बैठे हो उसी को काट रहे हो, वो तुम्हारे घरों को हरा भरा करता था तुमने उसी पेड़ को काट दिया। पहला जुमला था इमाम का कि मैं देख रहा हूं कि मेरे सामने मेरे मुल्क के जो लोग जहां जहां से आ सकते थे आ गए। तो मेरा मेरी पहली आवाज ये है, पहला सवाल ये है कि इस मजमे से, सुने सुनिए मुझे भाई जो मैं जुमला कह रहा हूं, इस मजमे से वो हट जाए, इमाम कह रहे वो हट जाए जो मेरे अपने घर वाले हैं, जो मेरे भाई हैं, जो मेरे चाहने वाले हैं, जो मुझ पर जान देने वाले हैं, उनका इस मजमे में काम नहीं है, वो हट जाए। मैं मुखातिब हूं उस मजमे से जिनकी तलवारें मेरे खून की प्यासी हैं। कहेगा कोई हाकिम जो इमाम कह रहे हैं यहां पर, कहेगा कोई हाकिम? अगर ऐसे हाकिम कहने लगे ना तो दुनिया जन्नत हो जाएगी, स्वर्ग हो जाएगी दुनिया, जो इमाम ने कहा है। मेरे अपने जो है वो नहीं बोलेंगे, उनसे मेरा सवाल नहीं है। मेरे अपने गैर, मेरे अपने खून के प्यासे, मुझसे दुश्मनी रखने वाले, या वो लोग जो गैर अकीदे के हैं, गैर मजहब के हैं, यानी अहले हुनूद में हिंदू भाई जो हैं, ईसाई, यहूदी, या गैर अकीदे के, गैर मजहब के, गैर मसलक के, गैर जगह के, वो लोग मेरे सामने आए।
मेरा सवाल उनसे, वो हट जाए जो मुझे चाहती है, मेरी बहुत मेहनत है, देखिए जुमले पर जाया ना जाए। इमाम कहते हैं वो हट जाए जो मुझे चाहते हैं, मुझ पर जान निसार करते हैं, वो मेरे सामने आए जो मेरे खून के प्यासे हैं, वो मेरे सामने आए जो मेरे मजहब को नहीं मानते। मेरा सवाल उनसे है कि उस मजमे से कि जो मेरा मुखालिफ है उनमें से एक फर्द आगे आकर बताए मेरे सामने कि उसको घर नहीं मिला मेरी हुकूमत में, दवा नहीं मिली मेरी हुकूमत में, कपड़ा नहीं मिला मेरी हुकूमत में, हक नहीं मिला मेरी हुकूमत में, खाना नहीं मिला मेरी हुकूमत में। हाय हाय हाय, ये पैगाम पहुंचे ना, किससे कह रहे हैं? अपने भाइयों से नहीं कह रहे हैं, चाहत में कह देगा सब कुछ मिला। अपने बेटों से नहीं कह रहे हैं, वो चाहत में गले लगा लेगा, अरे आपने तो सब कुछ कहा। वो आए जो सबसे बड़ा बदतरीन दुश्मन है मेरा, और वो मेरी आंखों में आंखें डालकर गवाही दे कि मेरी हुकूमत में उसको उसका हक मिला कि नहीं मिला। यही तो था जो पादरी दिखा रहा था। जानते हैं क्या जवाब है? मजमा भी बड़ा ईमानदार था तब का, अब का नहीं। तब आईटी सेल नहीं थी, तब मजमा वही कहता था जो सच होता था, दुश्मनी एक जगह सच्चाई एक जगह। जब इमाम ने कहा तुमने से बताए किसी का हक छीना गया मेरी हुकूमत ने, सारे दुश्मनों ने, चाहे वो मजहबी दुश्मन हो चाहे वो जाती दुश्मन हो, एक मिलकर जवाब दिया, इमाम ये सच है कि हमारी तलवार आपके खून की प्यासी है, ये सच है कि हम आपको पसंद नहीं करते, ये सच है कि हम आपको चाहते नहीं है, ये सच है कि हम आपकी बुराइयां करते हैं, लेकिन उससे बड़ा सच ये है कि आपकी हुकूमत ने हमको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई मुश्किल नहीं हुई। किससे कहलवा लिया इमाम ने? अम्मा भैया ये जुमला कि आपकी हुकूमत में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं हुई, आप लोग प्रधान बनेंगे कुछ दिन बाद, बड़ी नसीहत है। किससे कह रहे हैं? जो बदतरीन दुश्मन, दोस्त नहीं जाएगा गवाही, दुश्मन गवाही दे रहा है कि आपकी हुकूमत में हमको वो इंसाफ मिला जो अपनी हुकूमतों में मिला, खाना मिला, कपड़ा मिला, सब कुछ मिला। बस तब इमाम ने अंतिम क्या कहा उस मजमे से, अच्छा तो तुम इस बात की गवाही देते हो कि मेरी हुकूमत में तुम्हें किसी तरह की कोई दुश्वारी, कोई तकलीफ, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं हुई? कहा, कहा तो फिर आंखें झुकी हुई क्यों है? उठाओ तो अपनी नजरों को, उठाओ अपने चेहरों को और देखो, एक एक नजर देखो मेरे इस लिबास की तरफ, हाय हाय, मेरे इस जूते की तरफ, ये वही लिबास है जो मैं मदीने से पहन कर आया था, इसमें अब इतने पेबंद लग चुके हैं कि इसमें नया पेबंद लगाते हुए भी मुझे शर्म आती है। और याद रखना, यही मैसेज है मौला अली का पूरी दुनिया के इंसानों के लिए, जो उनका एक हकीर सा बंदा बयान कर रहा है, एक हकीर सा चाहने वाला बयान कर रहा है, याद रखना ये लिबास देखो जिस पर इतने पेबंद लग चुके हैं कि अब नया पेबंद लगाते हुए शर्म आती है। याद रखना कि जिस दिन ये हाकिम वक्त अली का लिबास तब्दील हो जाए, बदल जाए, घर बदल जाए, दस्तरखान आलीशान हो जाए, रहना सहना कमाल का हो जाए, तो समझ लेना तुम्हारे हक गजब कर लिए। बस मैंने अपनी बात कह दी है, ये हमारे इमाम का पैगाम था, आज उनकी विलादत का मौका और जश्न। अब इस मौके पे ना कहता ये बातें तो कब कहता, आपको थोड़ा सी परेशानी हुई, थोड़ा दिक्कत हुई, थोड़ा ताखीर हो गई, आप बैठे हुए हैं, मैं वो ऐसा इंतजाम नहीं कर सका जैसा आपके खुलूस आपकी मोहब्बत के लिए करना चाहिए था, मैं माजरत करता हूँ, और इंशाल्लाह आप लोगों ने साथ दिया तो आइंदा साल या आइंदा किसी भी वक्त में इस तरह के कोई प्रोग्राम होंगे तो मैं आपके जो हो सकता है अच्छा से अच्छा ख्याल रखूंगा और इंतजाम करूंगा। ये तो जल्दबाजी में बस बच्चों ने तय किया था, हो गया, आपके खुलूस ने इसको बढ़ाकर इतना बड़ा कर दिया। आप जहां रहें सलामत रहें, अहले बैत के चाहने वाले हैं, आपकी इज्जत पर आँच नहीं आएगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाहुम्मा कुन लवालियकल हुज्जत इब्न हसन सलवातुक अलैहि व अला आबाइहि हाजी साति कुल्ले साति वलियहु हाफिज़ौ फायदौ नासिरौ दलीलन अनन ततुस्किनतु अर्दका तुमत्याहु फीहा तवीला। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी।